before I start the class, so I'm going to here tell you about the changes of timings of क्लासेस. आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस लगती है उनके टाइम्स में चेंज हो गया है मंडे से. ठीक है, मंडे से आपका जो आपको शेड्यूल सेंड किया है व्हाट्सएप ग्रुप में, आपने उस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली अपनी क्लास अटेंड करनी है. ओके, सेकंड थिंग, आई हैव शेयर द मैसेज टू सेंड यू अ वर्क वर्कशीट 1-8 फॉर चेकिंग. सो यू ऑल हैव टू शेयर पिक्स, नो पीडीएफ. ठीक है, सिर्फ पिक्स आपने शेयर करनी है, पीडीएफ बनाकर नहीं शेयर करना है. ठीक है मैम, ओनली पिक्स. ठीक है जी. एंड थर्ड थिंग कि आपकी अब वीडियो कॉलिंग स्टार्ट हो रही है. ठीक है, टीचर्स विल कॉल यू. ठीक है, वीडियो कॉल होगा एंड जनरल क्वेश्चंस रिलेटेड टू करंट टॉपिक जो क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, जैसे मैथ्स का डिवीजन चल रहा है. ठीक है, तो डिवीजन से रिलेटेड टर्म्स क्वेश्चंस आपसे वीडियो कॉल में पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो आपके ये सारे मैसेजेस आपके ग्रुप में भी शेयर कर दिए गए हैं, आप वहां से भी चेक करोगे. ओके, सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से सारे मैसेजेस चेक कर लो और अपने पास अपना टाइम टेबल नोट कर लो सब्जेक्ट वाइज. ओके, क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. फॉर टुडेज क्लास यू हैव टू कीप योर मैथ्स बुक विद यू. ठीक है, अपनी बुक और नोटबुक दोनों आपने अपने पास रखनी है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5F, पेज नंबर 72. ओके, सो यू हैव टू ओपन 72 पेज नंबर ऑफ योर बुक. क्लियर, एक्सरसाइज 5F. ओके, अभी आप ध्यान से कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, ये पहले अंडरस्टैंड करोगे. सबका ध्यान बोर्ड की तरफ होना है. ठीक है, लुक एट द बोर्ड एंड लिसन टू मी केयरफुली. ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द शॉर्टकट मेथड ऑफ डिवीजन बाय टेन. जब हम 10 हमें डिवाइजर गिवन है किसी भी नंबर में, जैसे सपोज 63 डिवाइड बाय 10. ओके, जब भी हमारे पास 10 डिवाइजर है, मतलब हमने 10 से किसी भी नंबर को डिवाइड करना है, तो उसके लिए आपने प्रॉपर डिवाइड करने नहीं जाना है. ठीक है, आपने प्रॉपर डिवाइड नहीं करना है. आपने क्या करना है, एक शॉर्टकट मेथड है. ठीक है, जो देखो 63 डिवाइड बाय 10. क्लियर, तो जो भी आपका डिविडेंड गिवन है ना, उसका लास्ट लेटर जो होता है, लास्ट डिजिट, ठीक है, जो लास्ट डिजिट होगा वो होगा रिमाइंडर, आर जिसको हम बोलते हैं. और लास्ट डिजिट के आगे जितने भी डिजिट पेंडिंग होंगे दैट विल बी क्वेश्चन. ये एक ट्रिक है जब हमें 10 से डिवीजन आती है. ओके, जब हमें किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करना है ना, तो बहुत इजी होता है. जो लास्ट वाला डिजिट होता है वो रिमाइंडर होता है. ठीक है, नो सानवी, माय कैमरा इज ऑन एंड आई थिंक आई एम विजिबल. चेक योर नेटवर्क कनेक्शन. तो जो लास्ट वाला डिजिट है दैट इज रिमाइंडर, और रिमाइंडर छोड़ के जो आगे जितने भी डिजिट है, चाहे 6 है उसके बाद कोई और डिजिट है, तो वो सारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन. क्लियर, नाउ इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है. हां जी मनरीत, हां जी बोलिए. यस मैम, आप एक बार मुझे एक्सप्लेन कर दोगे. मैम इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई थी, एक बार आप मुझे एक्सप्लेन कर दोगे. सी, जब भी हमें किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करना है, ओके, व्हेन वी हैव 10 एज अ डिवाइजर एंड 63 एज अ डिविडेंड, ओके, तो शॉर्टकट में हमने डिवाइड करने नहीं बैठना है. हमने ऐसे भी नहीं लिखना है, हम सीधा यहाँ से देखेंगे कि डिविडेंड में लास्ट डिजिट क्या है, 3. दैट इज
ओके मैम, थैंक यू मैम। 256 है ना, तो यहाँ पे लास्ट के लिए हमने ये वाले सब में लिखना है, हमने रिमाइंडर और क्वेश्चन को फाइंड आउट करना होता है। डिवाइड क्यों करते हैं हम डिवाइड, क्योंकि उसमें हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड आउट करना, तो बाकी नंबर्स से अगर डिवाइड करना हो अपन डिवाइड करते हैं, है ना, स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करते हैं, फिर उसकी चेकिंग करते हैं, है ना। लेकिन जब हमें मैम जी सम हमने लिखना है अभी, जब हमारे पास डिवाइड 10 है, तब हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड होता है, एक ट्रिक है, एक टिप्स है जो हम यूज कर रहे हैं हमेशा, ऑलवेज, दैट इज रिमेंबर मैम। ठीक है, तो वेरीफाई के लिए क्या करेंगे हम, मेथड यूज करते हैं, रूल यूज करेंगे, मैम ये लिखना है असली मैम, पहली बात आई वॉज एक्सप्लेनिंग दिस ओनली, ठीक है, ये आपको सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपने इसको नोटबुक पे नहीं लिखना है, ठीक है। लिखना भी चाहते हो तो मैं आपको टाइम दूंगी जब मैं आपको सम को ही करने के लिए दूंगी, ठीक है। अभी जस्ट आप अंडरस्टैंड कीजिए, आपका ध्यान होता है कि मैम इसको लिखना है, मुझे इसको नोट करना है, आपका ध्यान सारा नोट करने में होता है, समझते तो आप हो नहीं हो, फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है, नोट करने में लगे रहते हैं, दैट इज व्हाई आई आस्क यू दैट लुक एट द बोर्ड ओनली, मैंने आपको बोला ही नहीं लिखने के लिए, और आप बार बार अनम्यूट करके यही पूछ रहे हो कि मैम ये लिखना है, ये लिखना है, जब लिखना होगा आई विल इंस्ट्रक्ट यू, ठीक है। फर्स्ट अंडरस्टैंड, एक बार समझ आ जाएगा तब कोई भी सम आ जाए आप अपने आप लिख लोगे उसको, अपने आप सॉल्व कर लोगे, ओके। सो अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, वी हैव 63 डिवाइड बाय 10, इसको हम जब भी हमारे पास डिवाइड बाय 10 होगा, ये जो रूल है ओनली वी कैन अप्लाई दिस रूल इन द केस ऑफ 10 व्हेन डिविजन द डिवाइजर वी हैव 10, और बाकियों में नहीं होगा ये रूल, ठीक है, सिर्फ जब हमारे पास 10 डिवाइजर होगा तब हम ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं, बिना सॉल्व किए हमारे पास रिमाइंडर और क्वेश्चन आ जाता है, कैसे, जो लास्ट डिजिट है दैट इज रिमाइंडर, और जो लास्ट डिजिट के आगे जो डिजिट्स होंगे दैट विल बी क्वेश्चन, ओके। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, फॉर वेरिफिकेशन वी कैन यूज द रूल डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, सो डिविडेंड वी हैव 63, क्वेश्चन वी हैव 6, डिवाइजर वी हैव 10 एंड रिमाइंडर वी हैव 3, ओके। सो व्हेन वी विल सॉल्व इट 63 6 मल्टीप्लाई 10, ये भी एक शॉर्टकट है, हम फर्स्ट पीछे 0 आ जाएगी, 6 को हम सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 का 6 प्लस 3 एंड 60 प्लस 3 इज इक्वल टू 63, ओके, clear, I will take your doubts, okay, yes Avish, unmute yourself, unmute, haan ji beta, boliye beta, Avish, Avish, your voice is not audible, yes Rudraksh, unmute, ma'am book mein jo likha hai hum verify the answers 100 divide by 10, to fir ab humne verify kiya hai to yahan pe quarter aur hour kyun diya hua hai, remainder aur quarter kyun diya hua hai, yahan pe hume likhna hai na quotient aur remainder, pehle hum likhenge boxes mein,
उसके बाद हम अपनी नोटबुक पे वेरीफाई करेंगे. ओके मैम. हां जी तन्वीर, अनम्यूट योरसेल्फ एंड लोअर डाउन योर हैंड्स. हां जी तन्वीर, जल्दी से बेटा आप अपने डाउट्स पूछिए. एक्सक्यूज मी मैम. यस मैम, मुझे ना ये समझ नहीं आया, एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? ओके हां जी, पर हर्षिता आस्क योर डाउट. मैम मुझे भी नहीं समझ आया. इनको तो समझ अभी नहीं आया, वो अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए. इसके अलावा जिसको समझ आ गया उसका कोई डाउट हो. हां जी अमृत. ओके मैम. आविश बेटा, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल. आप अपना डाउट चैट बॉक्स में लिख दीजिए. यस मैम. हाँ जी था. ये जो सम आपने दिया हुआ है 63/10, मैम इसका डिवाइजर तो एक डिवाइजर और डिविडेंड कौन सा होगा मैम? बेटा डिवाइजर जिससे हम डिवाइड करते हैं और डिविडेंड. ओके मैम. ओके मैम. और मैम जैसे आपने सम एरो डाल के लिखा हुआ है रिमाइंडर 3, तो मैम हमने भी एरो डाल के ही लिखना है इसको या और जैसे हम पहले सम सॉल्व करते थे ऐसे करना है? बेटा आपको ये शॉर्टकट मेथड बता रही हूं मैं. अगर सॉल्व करना होता फिर तो ये शॉर्टकट मैंने बताना ही नहीं था. अगर पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप. ओके मैम. ओके थैंक यू मैम. हां जी तो ओके थैंक यू. अभी भी समझ नहीं आया है, जब हमारे पास डिवाइजर 10 है, ठीक है, जब भी हमारे पास डिवाइजर 10 होगा उसको हमने जब भी डिवाइड करना है तो आप उसको प्रॉपर डिवाइड करने नहीं लगोगे, ठीक है? आपने उसको प्रॉपरली डिवाइड करना, क्योंकि अगर 10 डिवाइजर है तो हमारे पास एक शॉर्टकट ट्रिक होता है. हम क्या करते हैं, जो हमें डिविडेंड गिवन होता है ना, जिसको हमें डिवाइड करना है, उसका जो लास्ट डिजिट होता है, ठीक है, दैट विल बी रिमाइंडर आर, ठीक है. लास्ट डिजिट को हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर. यहाँ पे लास्ट डिजिट 3 है, सो 3 विल बी रिमाइंडर. 3 के बाद जो बच जाएगा डिजिट 6 इज लेफ्ट, तो 6 हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है. डिवाइड करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, हमें क्वेश्चन भी मिल गया रिमाइंडर भी मिल गया. ओके उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे. वेरीफाई मतलब चेकिंग. वो हम कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे. डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आपने जो क्वेश्चन नोटबुक पे करना है, ये आपको सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है. अब आप अपनी क्लास का तो नोटबुक ओपन करोगे. ओके एंड देन विल डू द सम नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5F. सम नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5F. बेटा वेरीफाई में रफ वर्क आपकी मर्जी है, लेकिन जब हम वेरीफाई में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी आपको मल्टीप्लिकेशन में शॉर्टकट्स बताए हैं कि 1 और 0 होता है, 0 की जगह 0 लिखोगे और डिवाइजर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे. जैसे यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 6 था, तो 10 मल्टीप्लाई 6 60 आता ही है हमें, उसको हम ऑरली कर सकते हैं, तो उसमें रफ वर्क करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1. 75 डिवाइड बाय 10.
ओके सो लास्ट डिजिट इज 5 है ना, लास्ट डिजिट इज 5 सो रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट विल बी द रिमाइंडर। यस, इसका मतलब सभी आंसर दे रहे हैं, कलिका, मनप्रीत, हर्षिका, जसरूप, रुद्राक्ष, अविश, अमृत, अनाहत, हितांशी, ऑल आर गिविंग आंसर, दैट मींस यू हैव अंडरस्टूड। रिमाइंडर हमारे पास हो गया 5 एंड क्वेश्चन वी हैव 7। ऐसे भी लिखोगे आप ही नोटबुक पे, दिस इज शॉर्टकट, ठीक है। अगर डिवाइजर 10 है, ठीक है, ये कब हम अप्लाई कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड, ओनली फॉर 10, ठीक है, सिर्फ 10 के केस में होगा ये, बाकियों में हमें प्रॉपर डिवाइड करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप जैसे हम करते हैं, ठीक है। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, सो डिविडेंड वी हैव 75, क्वोशेंट वी हैव 7, डिवाइजर वी हैव 10 एंड रिमाइंडर वी हैव 5। अब मुझसे कई बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम ये मल्टीप्लाई में हम रफ वर्क तो नहीं करेंगे, तो बेटा इसमें रफ वर्क की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें 10 को 7 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है, 10 से 7 10 का 70, 10 7 का 70, सबको आता है, रफ वर्क करने की इसमें जरूरत नहीं है हमें, प्लस 5। और आपको इतना भी पता है कि 70 प्लस 5 कितने होते हैं 75, सो ईजी। Now, if you have any doubt, you can ask. Yes, बाकी second sum start करेंगे. Solve the second sum. हाँ जी हर्ष, हितांशी. मैम मैंने पूछना था, मैम जो बुक का पेज है 72, मैम उसमें थर्ड वाला है 205 डिवाइडेड बाय 10, मैम हमने इसको लास्ट वाला डिजिट को क्वेश्चन लिखेंगे ना, इसमें लास्ट डिजिट क्या है 205 में, लास्ट डिजिट क्या है 5 विल बी रिमाइंडर क्वेश्चन, रिमाइंडर लास्ट डिजिट रिमाइंडर होगा, ठीक है, और 5 के बाद कितने नंबर रह गए हमारे पास 20, तो 20 विल बी क्वेश्चन, ओके यस मल्लिका, ओके अनम्यूट मल्लिका। मैम हमारी चेकिंग करनी जरूरी है इसकी, हाँ जी चेकिंग करना जरूरी है बेटा, की चेकिंग yes okay ma'am yes in the statement they have written that write quotient q for quotient and r for remainder and verify the answers, verify what means check it, hanji ishan unmute yourself, ma'am jo book pe likha hua hai main quotient aur remainder wahan pe likhne hain, हाँ जी आपने बुक पे भी लिखना है, बुक पे बॉक्सेस बने हैं ना क्वेश्चन के लिए और रिमाइंडर के लिए, आपने बुक में भी साथ साथ फिल करते जाना है, ओके ओके मैम। हाँ जी रेजी, मैम हाँ जी मैम जो आपने ये फिल कराया है इसकी हेडिंग क्या है वो मुझे दिख नहीं रही बोर्ड पे जो आपने लिखा है, ये आपकी बुक पे लिखा है हेडिंग, ठीक है, और मैंने भी बोर्ड पे लिखा है एक्सरसाइज, ओके सो सेकंड सम, यस भूमिका अनम्यूट योरसेल्फ, हां जी आस्क योर डाउट, I have no doubt. If you have no doubt, then why have you raised the hand?
नेक्स्ट मान्या अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी बोलिए। योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, राइट इन द चैट बॉक्स। हाँ जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, 100 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी डिवाइड बाय 10। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, सेकंड क्वेश्चन, 100 डिवाइड बाय 10। हाँ जी जल्दी से लिखे चैट बॉक्स में, वेरी गुड आदेश। सो लास्ट डिजिट इज 0, सो रिमाइंडर विल बी 0 एंड 0 के बाद 10 बचा, 10 इज लेफ्ट, सो 10 विल बी क्वेश्चन। ओके, 0 के बाद जितने मर्जी डिजिट बचे हो आपने वो सारे ले लिए। यहां पर 0 1 10 है, तो 10 आपने ले लिए। क्लियर? देन वेरिफिकेशन वेरी इजी, डिविडेंड 100, क्वेश्चन 10, डिवाइजर वी हैव 10, रिमाइंडर 0, 10 इज 100 प्लस 0 100। क्लियर? इजी है ना, ये शॉर्टकट है, और इसमें आपको प्रॉपर सॉल्व भी नहीं करना पड़ता और आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर मिल भी जाते हैं। ठीक है जी। नाउ नो प्रॉब्लम फॉर क्लियर, इफ यू आर आउट ऑफ स्टेशन सी द वीडियो एंड देन नोट डाउन योर होम ऑफ क्लास। नाउ थर्ड सम, थर्ड सम इज 205 अर्शाना। हाँ जी अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मैंने देखा नहीं जो नंबर साइड्स पे थे 1 2 3 4, मैंने सोचा 205 वाला नेक्स्ट, इसलिए मैं वो कर रही थी। मैंने अभी 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 वाला नहीं करा। नो प्रॉब्लम, आपको समझ आ गया? यस मैम। यस, फिर आप अपने आप कर सकते हो। ठीक है। नाउ थर्ड सम, सी लास्ट डिजिट इज 5, सो रिमाइंडर विल बी 5 एंड देन 20 इज लेफ्ट, सो क्वेश्चन विल बी 20, है ना? एंड वेरीफाई रूल, यू नो द रूल, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ओके, तो जल्दी से अब आप फोर्थ सम इसकी वेरिफिकेशन कीजिए और उसके बाद फोर्थ सम का आंसर लिखिए चैट बॉक्स में। वेरी गुड, रिमाइंडर एंड क्वेश्चन। सो इंफॉर्मेशन दैट टाइमिंग्स, ऑनलाइन क्लास टाइमिंग्स हैव बीन चेंज्ड, आर गोइंग टू चेंज फ्रॉम मंडे। ओके, टाइम टेबल एंड टाइमिंग्स आर शेयर्ड इन द ग्रुप, यू कैन चेक योर सब्जेक्ट्स टाइमिंग, क्लास टाइमिंग्स। ओके, एंड फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वीडियो कॉलिंग इज गोइंग टू बी स्टार्टेड, सो यू ऑल हैव टू अटेंड रोल नंबर वाइज। ठीक है, जिसकी टर्न है उसके अकॉर्डिंगली कॉल आएगी उनको। ओके, एंड शेयर योर वर्क टूडे पॉजिटिवली, आई हैव शेयर द मैसेज इन द मॉर्निंग। ओके, आफ्टर द क्लासेस यू कैन शेयर योर वर्क, 1 to 8 वर्कशीट्स ऑफ मैथ्स। सो लेट्स डू द चेकिंग, डिविडेंड वी हैव 205, क्वेश्चन वी हैव 20, डिवाइजर वी हैव 10 एंड रिमाइंडर वी हैव 5।
checking. After that, third question we have done. Now fourth question, next questions will be given as homework. Okay, so ab hum karenge quiz. आपके बुक में एक छोटी सी एक्टिविटी है, नीचे देखेंगे बॉक्स में क्वेश्चन है. आई एम द नंबर बीइंग डिवाइडेड, हू एम आई, मतलब मैं नंबर हूं जिसको डिवाइड किया जाता है. ठीक है, हू एम आई, क्या बोलते हैं उस नंबर को जिसको हम डिवाइड करते हैं, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं. Write in the chat box. Yes, Abhav has given the answer first. Very good. Dividend. देखो, I am the number who is being divided. जिसको divide किया जाता है. मैं वो number हूँ जिसको divide किया जाता है. तो यहाँ पे ये क्या है? 205 को हम divide कर रहे हैं ना? तो 205. Okay? Dividend. So first answer is dividend. Then second riddle is I am the answer of a division sum. I am called the, जो answer हमारे पास आता है कि divide करके जो answer हमारे पास आता है that is called, no remainder is not the answer. Remainder तो नाम से पता चल रहा है कि जो बच गया. Answer हमारे पास कौन सा होता है? Quotient. Yes, very good. Question. Very good. So second is quotient. And third, but these type of questions can be asked in mental ability. Okay. So what do we call the number? और व्हाट डू वी कॉल द आंसर ऑफ डिवीजन. डिवीजन करके जो हमारे पास आंसर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वोशेंट बोलते हैं. क्वोशेंट की स्पेलिंग अर्शाना. व्हेन अ नंबर, थर्ड इज व्हेन अ नंबर डज नॉट डिवाइड अनदर नंबर एग्जैक्टली एंड आई एम लेफ्ट. आई एम द, जब नंबर डिवाइड नहीं होता है, छोटा होता है तो उसको हम ऐसे छोड़ देते हैं ना नीचे सॉल्व करके, तो उसको हम क्या बोलते हैं जो बच जाता है? दैट इज यस रिमेंडर. रिमेंडर. ओके, सो दीज वर थ्री रिडल्स. स्मॉल एक्टिविटी फॉर यू टू लर्न द टर्म्स विच वी यूज इन डिवीजन. Fourth sum is 615 divided by 10. Hanji, Japleen, ask your doubt. Baki fourth sum karenge. Yes. This sum ka hai question, division or divider. Ma'am, mujhe division hota hai usme 10 number kyun aata hai? डिवाइजर, टेन डिवाइजर होता है और जिसको हमने डिवाइड करना है वो डिविडेंड होता है. ओके, इसको डिविडेंड में टेन लिख देते हैं. डिविडेंड बेटा जो नंबर होता है जिसको हमने डिवाइड करना है. डिवाइजर जो टेन है वो डिवाइजर है, टेन से हमने डिवाइड करना है. जिसको डिवाइड करना है वो डिविडेंड होता है. ठीक है. यस समृद्धि, अनम्यूट. Good morning, ma'am. Good morning. Ask your doubt. Ma'am, ये जो हमने अपने ये riddles के answers लिखे हैं, वो हमने थोड़ा सा speak लिखे louder. Ma'am, ये जो आपने ये riddles के answer लिखे हैं, वो ma'am हमने book में लिखने हैं क्या notebook में? On the book. यहाँ पे space given है ना?
there you can write. Yes, the Sroop. And you ask your doubt. Unmute the Sroop. नोटबुक पर लिखना है, नंबर लिखना है, भी डैश दी है, आंसर भी वही लिखने हैं, बुक पे ही लिखने हैं आपने आंसर, ओके? ओके मैम। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द शॉर्टकट ट्रिक टू डिवाइड बाय 10, है ना? हम 10 से कैसे शॉर्टकट डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? वो आज हमने